नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ियों पर बड़े बड़े ईंट पत्थर चले, टीएमसी का झंडा लिए लोगों ने उनके काफिले का रास्ता रोका, काफिले पर पथराव किया। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं को चोट आई, उनकी गाड़ियां टूट गई, जेपी नड्डा बाल बाल बच गए क्योंकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। सवाल ये है कि बंगाल में ये कैसा लोकतंत्र है, कैसी कानून व्यवस्था है? क्या बंगाल की सड़कों पर चलना है तो बुलेट प्रूफ में रहना होगा? लेकिन ममता बनर्जी ने इस हमले को बीजेपी की नौटंकी बताया है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ आपको दिखाएंगे बंगाल में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और टीएमसी का ये टकराव क्यों बढ़ गया, दोनों पार्टियों की ऐसी कौन सी आक्रामक रणनीतियां हैं जिनसे बंगाल का चुनाव अब किसी जंग से कम नहीं है। इसके बाद हम न्यू इंडिया के नए संसद भवन की खूबियों और खासियतों के बारे में आपको बताएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया है। नया संसद भवन वर्ष 2022 तक बनकर तैयार होगा, जो 93 वर्ष पुराने संसद भवन की जगह लेगा। हम आपको बताएंगे कि देश को नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी और साथ ही मौजूदा संसद भवन के सुनहरे इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले ने ममता बनर्जी के राज पर फिर बड़े सवाल उठाए हैं। बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती रही है कि बंगाल में टीएमसी के राज में अंधेर गर्दी है, गुंडागर्दी है, राजनीतिक विरोधियों पर बंगाल में अत्याचार किए जाते हैं और इसे किसी भी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरह से ईंट पत्थर फेंके गए, जिस तरह से उनके काफिले में नेताओं की गाड़ियां टूटी, जिस तरह से बीजेपी के दूसरे नेताओं को पथराव में चोट लगी, जिस तरह से इस पूरी घटना में टीएमसी के लोगों का हाथ होने के साफ साफ वीडियो सबूत दिखे, उससे सवाल यही उठे कि क्या वाकई बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक विरोधियों के लिए सड़क पर चलना भी गुनाह है? यह हमला कैसे हुआ और वो कौन सी बेचैनी है जिसमें बीजेपी के नेता आज टीएमसी के लोगों का निशाना बने? सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी, उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पर हमला किया, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे पे आते हैं, उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे 3 पदाधिकारी की गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, यहाँ के जिला अध्यक्ष जान बचा के भाग के आए हैं, उनको एकदम पूरा छेक लिया था, गाड़ी उड़ी तोड़फोड़ किए। हमारे कैलाश जी, मुकुल दा, अनुपम हजरा, इनको गाड़ी टूट गया, कोई लोगों के कोई कार्यकर्ता को चोट भी लगा है, ये कोई गणतंत्र है? ये टूटी गाड़ियां देखिए, शीशे चकनाचूर हो गए हैं, ये बड़ी बड़ी ईंटें देखिए, यही ईंट पत्थर बीजेपी के काफिले पर फेंके गए। काफिले में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उनकी टीम के बड़े बड़े नेता थे, रास्ते में टीएमसी के लोग पत्थर चला रहे थे, सबने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। एक्चुअली हम कॉन्वॉय में थे और अचानक देखा कि काफ़ी सारे बसेस कॉन्वॉय के अंदर घुसा दिया गया ताकि हम लोगों का कॉन्वॉय आगे ना निकल सके, और अचानक शुरू हो गया कि मतलब ईटा पत्थर जो भी मतलब सामने था वो लोग मतलब फेंकने लगे गाड़ी की ओर, और मेरा सिक्योरिटी लोगों को चोट पहुंचा है और मुझे ईंट लगा है यहाँ पे, और अभी फिलहाल मेरा सिक्योरिटी जो है फर्स्ट एड में है और गाड़ी का पिछला वाला कांच पूरा टूट गया। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक झंडे लेकर पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद बीजेपी के समर्थकों को पहले मारपीट की और उसके बाद कॉन्वॉय पर पत्थरबाजी भी हुई है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो ये बयां करती हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। जगह जगह इन गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं। कॉन्वॉय में कई गाड़ियां थी, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी जिसमें उनको भी चोट आई है, मुकुल रॉय जो राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है। बीजेपी के नेता डायमंड हार्बर जा रहे थे, तृणमूल के झंडे लिए लोगों ने रास्ता रोक लिया, गाड़ियों में जा रहे बीजेपी के बड़े नेताओं पर पथराव होने लगा। जेपी नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी तो वो बाल बाल बच गए, लेकिन ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी सबके पास नहीं थी।
टायर होते हैं इनके, यानी कि रन फ्लैट टायर, ये एक खासियत होती है बुलेट प्रूफ गाड़ियों की, जिनके तहत अगर गाड़ी पर टायर पर गोली भी लग जाए तो भी ये गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा सकती है। गाड़ी को क्षति नहीं पहुंची क्योंकि वो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन आसपास की जितनी भी गाड़ियां थी उन सबको क्षति पहुंची है, तोड़ फोड़ हुई है। और ये अपने आप में एक राजनीतिक लड़ाई बयां करता है कि किस तरह से जितने भी नेता उस कॉन्वॉय में थे उनके खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये ऐसी कई गाड़ियां हैं लगातार लाइन से खड़ी हुई जिन पर आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से कांच टूटा है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर और ईंटें फेंके गए हैं जिसकी वजह से इतने मजबूत कांच और इतनी मजबूत गाड़ियों को इतनी क्षति पहुंची है। जेपी नड्डा की गाड़ियों के पीछे जितने भी नेता थे, जितनी भी गाड़ियां थी, ज्यादातर के शीशे टूट गए। गाड़ियों के अंदर पड़ी बड़ी बड़ी ईंटें इस बड़े हमले की गवाही दे रही है। नड्डा के पीछे चल रहे कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय जैसे बड़े नेताओं की गाड़ियां टूट गई, उन्हें चोट भी आई। हमारे ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहे थे, वो पथराव कर रहे थे, और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। टीएमसी के झंडे भी थे और गाड़ियों को, बाइक्स को और समर्थकों को भी चोट आई है क्या? लगभग 50 से ज़्यादा हमारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स उन्होंने रोक लिए, उन लोगों की पिटाई की है। पता नहीं उसमें से कितने लोग बचेंगे कितने मरेंगे अभी कुछ नहीं कह सकते, पर 50 से ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों को रोक रखा है, उनकी पिटाई कर रहे थे वहाँ। हमने उनको छुड़वाया, एक को अपनी गाड़ी में लेकर भी आए हम, पर वहाँ इतनी अराजकता थी कि रुकना ही बहुत मुश्किल था। जब ऐसे बड़े बड़े नेता बेबस हैं तो बंगाल में आम कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? ममता बनर्जी के बंगाल में ये क्या हो रहा है? क्या बंगाल में दीदी के विरोधियों की जगह नहीं? क्या दीदी के किसी विरोधी को बंगाल आना मना है? क्या कोई विरोधी बंगाल आएगा तो उस पर पत्थर चलेंगे? क्या उसकी गाड़ियों को इसी तरह से तोड़ा जाएगा? ये गाड़ी है मुकुल रॉय की। मुकुल रॉय न सिर्फ बंगाल में बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये हालत बड़ी बड़ी गाड़ियों के किए गए हैं जिसमें ड्राइवर को, नेताओं को, कई लोगों को चोट आई है, और छोटे छोटे ईंटें भी नहीं, कई गाड़ियों में तो बड़े बड़े पत्थर और ईंटें भी आपको दिखाई देंगी जो पड़ी हुई हैं अंदर। बीजेपी के काफिले में 40 से ज्यादा लोगों को चोटें आई है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। टीएमसी पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर जेपी नड्डा और उनकी टीम चुनावी तैयारियों के लिए गई है वो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ है। ये बंगाल के जो युवराज बनाया है अभिषेक बंदोपाध्याय, उनका घर है यहाँ, और यहाँ आने के समय एक दल की, राष्ट्रीय दल की राष्ट्रीय सभापति, उनका गाड़ी पर हमला हुआ। माननीय मुख्यमंत्री इसको नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है, वहाँ के जो तानाशाह है ना, सेम उसी के तरह इसका रवैया आचरण है। वहाँ जैसे लोकतंत्र नहीं है ऐसे ही यहाँ भी लोकतंत्र नहीं है। बंगाल में अभी प्रेसिडेंट शो चालू होना चाहिए, बंगाल का आइन का कोई शासन नहीं है। इस हमले पर गृह मंत्रालय ने भी राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है क्योंकि कल ही बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी कि बंगाल में पुलिस मुस्तैद नहीं है, बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा में जानबूझकर कमी की जा रही है, वो भी तब जब बीजेपी के नेता ममता के गढ़ में सीधी चुनौती दे रहे हैं। वो ऐसा उपद्रुत जगह है जहाँ पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन करने किसी को नहीं दिया गया था। अभिषेक भट्टाचार्य, अभिषेक बनर्जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, वो उसको एक जमींदारी और आइलैंड बना कर रखा गया है। आज वहाँ कार्यक्रम में ना पहुँच पाए इसलिए पूरे रास्ता में और एंट्री सोशल्स को जमा किया गया है, और कल रात को हमारे कार्यकर्ता जब तैयारी कर रहे थे, झंडा लगा रहे थे, उनको मारपीट किया गया, आज सुबह भी मारपीट हुई है। जहाँ एक और भवानीपुर, यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, तो वहीं अब दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी, जो न सिर्फ उनके भतीजे हैं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और बड़े नेता माने जाते हैं पार्टी में, जिसके उनके इलाके में आकर मछुआरों से मुलाकात, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात, और उस बीच में इस तरह की एक पूरी घटना जो अपने आप में बयां करती है कि राज्य में प्रदर्शन और गणतंत्र की स्थिति किस तरह से किस तरफ जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले को बीजेपी टीएमसी सरकार का किया धरा बता रही है, और ममता राज में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर नए सवाल उठा रही है। इसने बंगाल में चुनाव के ठीक पहले बीजेपी और टीएमसी के टकराव को और बढ़ा दिया है। दक्षिण 24 परगना से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की तस्वीरें सबने देखी, टूटी हुई गाड़ियां, चकनाचूर शीशे सबने देखे, बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर सबने देखे, बीजेपी के काफिले को रोकते हुए टीएमसी के लोगों को देखा है, लेकिन ये सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दे रहा।
उन्हें ये सब नौटंकी लगी है। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि जब केंद्रीय सुरक्षा बल बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा कर रहे थे तो उन्हें कोई कैसे छू सकता था, इसीलिए ये सब पब्लिसिटी के लिए बीजेपी का नाटक है, यह ममता बनर्जी कह रही है। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নোটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমায় মেরেছে। আরে তোমার পেছনে 50 টা গাড়ি কেন যায়? कम से कम ममता बनर्जी एक जांच की बात कर सकती थी और कह सकती थी कि उन्हें सहानुभूति है उन नेताओं के साथ जो घायल हुए हैं इसमें, या जिनकी गाड़ियां टूटी हैं इस तरीके से। जांच के बाद तो दूध का दूध पानी पानी हो ही जाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बहरहाल उन्होंने जो बातें कही हैं उसका बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जवाब दिया है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने उनसे खास बातचीत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है, और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वॉयलेंस है, और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ, इसलिए हम जानते थे और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम बखूबी करेंगे और जनता बीजेपी के साथ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं जनता टीएमसी के साथ है, लेकिन आप हैं कि केंद्र की फोर्सेस को लेकर बाकी सबको लेकर यहाँ पर अपना रुतबा रुबाब दिखाकर नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, ये शब्दावली जो ममता जी की है ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर पर्सनैलिटी, अबाउट हर कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशंस इन विच शी इज ब्रॉट अप, सो शी हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट पॉलिटिकली अगर आप मैच्योर्ड आंसर मेरे से चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि यह भारत देश फेडरलिज्म में विश्वास करता है, यह भारत देश में सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट है कि वो अपनी बातों को रख सके, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य देव जिन्हों जो हमारे पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने जिस विचारधारा को प्रोपोगेट किया वो बंगाल में प्रतिपादित हो और बंगाल के कल्चर के साथ उसको अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का काम है। आरोप ये लग रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान करके बंगाल में ध्रुवीकरण करके बंगाल में राजनीति करके अपना सत्ता में आना चाहते हैं। हमारा नारा विकासवाद का है। आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, यह किसी को भी धर्म के आधार पर बांटता नहीं है, यह सभी के लिए बराबर है, और मोदी जी के द्वारा सबको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। जब सीए लागू करेंगे तो उसमें तो धर्म की बात आएगी, उसकी जवाबदेही कैसे होगी? धर्म की बात नहीं आएगी, नेशन की बात आएगी। दोस्त हुआ बिन रिलीजियसली परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनको भारत में स्थान देने का विषय है, क्योंकि उनको उस देश में जो सेकुलर कहता था वो सेकुलरिज्म वहां नहीं बचा है, उनको बचने की जगह भारत है, इसलिए उसकी चिंता हमने की। जब बात भारत की हो रही तो भारत में किसान बार बार आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या सरकार विफल हो रही है बार? बिल्कुल नहीं, हम किसान के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको हम समझाते रहेंगे, जो रिफॉर्म्स आए हैं वो सारे रिफॉर्म्स किसानों के हित में हैं, और किसानों को ऑप्शन भी है कि आप उसमें शामिल हो या ना हो, तो हमको रिफॉर्म्स में आगे तो बढ़ना ही है, और वो बढ़ने में किसान भी हमारा साथ आज नहीं तो कल देंगे। बंगाल छोड़ने के पहले बंगाल के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश? बंगाल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर जुल्म को सहते हुए प्रजातंत्र की रक्षा की है, फिर चाहे वो इमरजेंसी हो, फिर चाहे वो किसी भी प्रशासन के शासक का दमनकारी नीति हो, यहाँ भी इस दमनकारी नीति को हम उखाड़ फेंकेंगे उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। यही राजनीति के रंग हैं। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक।
बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, यानी 4-5 महीने ही बचे हैं, और चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी का टकराव बढ़ा है उसे ये चुनाव किसी जंग के जैसा होने वाला है। बिहार जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, उसे लगता है कि ममता बनर्जी को हराने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी के लिए भी करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बंगाल में एक बार कोई सत्ता से आउट होता है तो सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब दुनिया सो रही थी तब हिंदुस्तान ने आजादी की सांस ली थी, जिसका गवाह बना था संसद भवन। पिछले 73 वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर भारतीय लोकतंत्र के ऐतिहासिक लम्हों का गवाह बना है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने का संसद भवन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। मौजूदा संसद भवन के ठीक बगल में बनने वाले नए संसद भवन का भूमि पूजन पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच किया। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी और सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने प्रार्थना की। मौजूदा संसद भवन की इमारत ब्रिटिश दौर में बनी थी, जो वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुई थी, जो अब 93 वर्ष पुरानी हो चुकी है। अब नया संसद भवन त्रिभुजाकार होगा, जो वर्ष 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी और नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से कितना अलग होगा, न्यू इंडिया के नए संसद भवन से जुड़े हर सवाल का जवाब देने वाली ये रिपोर्ट हमने खास आपके लिए तैयार की। लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यही बैठी। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संजोने, संवारने और निखारने वाली भारतीय संसद का वृत्ताकार भवन, जो भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक पहचान है, जिसके ठीक बगल में बनेगा त्रिभुजाकार संसद भवन, जहां लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने वाली नीतियां आकार लेंगी। मौजूदा संसद भवन के ठीक बगल में नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। नए संसद भवन का डिजाइन पद्मश्री से सम्मानित गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने तैयार किया है, जिसके निर्माण का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। नए संसद भवन के निर्माण में करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसके निर्माण में सीधे तौर पर 2,000 लोग जुड़ेंगे।
इसका निर्माण कार्य 21 महीनों में पूरा होगा। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था जो 93 वर्ष पुराना हो चुका है और उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की जगह है, वहीं नए भवन की लोकसभा में 888 सीटें होंगी। फिलहाल राज्यसभा में 280 लोगों के बैठने की जगह है। अब जो नई राज्यसभा होगी उसमें बैठने के लिए 384 सीटें होंगी। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा संसद की इमारत में जितनी जगह थी ताकि लोग वहां पर बैठ सकें, सांसद बैठ सकें, उससे कई गुना ज्यादा यानी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही हर सांसद के लिए अपना अलग यहां पर दफ्तर होगा। यहां पर जो संविधान भवन जिसे बनाया जा रहा है वहां पर संविधान की मूल प्रति जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी वो यहां पर उसको रखा जाएगा। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से करीब 17,000 वर्ग मीटर अधिक बड़ा तो होगा ही, साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस होगा। सभी सांसदों को अलग अलग दफ्तर दिया जाएगा जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी। एक भव्य संविधान हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। साथ ही सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा मीटिंग हॉल, हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम, लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, कैंटीन और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इतना ही नहीं, इमारत भूकंप रोधी होगी, इको फ्रेंडली होगी। नया संसद भवन अगले 150 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के हिसाब से बनाया जाएगा। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। मौजूदा संसद भवन ने आजादी के आंदोलन के बाद स्वतंत्र भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने में अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार के गठन से लेकर संविधान की रचना तक भारत के लोकतंत्र की मजबूती का आधार स्तंभ बना है मौजूदा संसद भवन। नया संसद भवन इसी विरासत और हमारे लोकतंत्र की धरोहरों को न सिर्फ सहेजेगा बल्कि उन्हें और मजबूती प्रदान करेगा। संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। मौजूदा संसद भवन ने आजाद हिंदुस्तान की नींव तैयार की थी। नया संसद भवन न्यू इंडिया के सुनहरे भविष्य की नींव तैयार करेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मौजूदा संसद भवन का क्या होगा, तो ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा, समय समय पर संसदीय कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रयोग एक म्यूजियम के तौर पर होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को देश की लोकतांत्रिक यात्रा के बारे में पता चल सके। वैसे नए संसद भवन के साथ आज मौजूदा संसद भवन के इतिहास को याद करना भी जरूरी है। मौजूदा संसद भवन का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने साल 1912 में तैयार किया था। संसद भवन की पहली ईंट 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसके निर्माण में 6 साल का समय और 83 लाख रुपए का खर्च आया था। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन ने किया था। अब आपको संसद भवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। संसद भवन की इमारत का निर्माण अंग्रेजों ने दिल्ली में नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए किया था। आजादी के बाद यह संसद भवन बन गया। वर्ष 1950 से 1958 तक संसद भवन के सेंट्रल हॉल से ही देश का सुप्रीम कोर्ट चलता था, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग नहीं बन गई थी। संसद भवन की लाइब्रेरी में आज भी संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपि
नाइट्रोजन गैस से भरे चेंबर में सुरक्षित है। संसद भवन की गोलाकार संरचना निरंतरता की प्रतीक है, जो ये दर्शाती है कि ये सत्ता बनी रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। और अब 93 वर्ष बाद आजाद भारत को अपना नया संसद भवन मिलने जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार। अगर हम आपसे पूछेंगे कोई 7 साल का बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकता है, कनाडा में एक लड़की है जो 7 साल की उम्र में 80 किलो तक वजन उठा लेती है। ये बच्ची इतिहास की सबसे युवा यूएस यूथ नेशनल चैंपियन बन गई है। रोरी वैन का कद सिर्फ 4 फीट है। उसने 5 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग शुरू की थी और 2 वर्षों में ही वो 80 किलो वजन के साथ डेडलिफ्ट और 61 किलो वजन उठाकर स्क्वाट्स कर लेती है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।